गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने क्लास 9 साइंस की क्लास के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, अध्याय नंबर 3 चल रहा है और उसका नाम आपको पता है सभी को, परमाणु एवं अणु, जिसके अंदर अपने परमाणु के बारे में कुछ परिकल्पनाएं पढ़ी है और अणु के बारे में अभी अपन को पढ़ना है कि अणु क्या होता है, और परमाणु के बारे में भी अपन कुछ जानकारी ली और कुछ जानकारी और लेनी है। तो सबसे पहले अपन ने परमाणु के बारे में पढ़ा कि तीन दार्शनिक हुए थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, महर्षि कणाद ने, फकुदा कात्याम ने, इसके अलावा डेमोक्रेटस लिओलिपस ने। फिर उसके बाद में दो रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े अपन ने, एक तो था आपके कल की क्लास में अपन ने पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, और दूसरा अपन ने पढ़ा आपके स्थिर अनुपात का नियम। ये अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली थी पिछली क्लास में कि कोई अभिक्रिया होती है तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा द्रव्यमान तो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, और अनुपात क्या होता है, और वो अनुपात भी क्या होता है अभिक्रियाओं के अंदर, या कोई यौगिक है तो यौगिक के अंदर अनुपात भी स्थिर रहेगा, यौगिक के अंदर अनुपात भी क्या रहेगा आपके स्थिर रहेगा। स्थिर के लिए जैसे अपन ने बात की थी H2O के अंदर क्या होता है आपके 1:8 होता है, NH3 के अंदर बात की अपन ने कि क्या होता है 14:3 होता है, तो ये स्थिर अनुपात क्या रहता है आपके फिक्स रहता है। ये अपन ने पिछली क्लास तक बात कर ली थी। अब आज अपन इसके आगे पढ़ते हैं इसके आगे भी अपन ने पढ़ लिया था कि जॉन डाल्टन का नियम क्या होता है और उसने परमाणु के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई। डाल्टन ने भी यही बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है और ये आपके अभिक्रिया करता है, तो ये अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे आपके कि जॉन डाल्टन के बाद में परमाणु ने उन्होंने प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध कर दिया कि परमाणु अविभाज्य कण है। अब अपन पढ़ते हैं कि परमाणु होता क्या है, है ना, मतलब परमाणु होता ही है। अपन ने पढ़ ली कि वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु ये प्रक्रिया है, परमाणु ऐसा है, परमाणु अविभाज्य कण है। अब अपन बात करें कि परमाणु काम क्या आता है, परमाणु होता क्या है, तो क्या होता है अगली हेडिंग है आपके परमाणु क्या होता है, है ना, परमाणु क्या होता है। अब परमाणु क्या होता है, अब परमाणु की अपन बात करें तो ये बहुत ही सूक्ष्म इकाई है जिसको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटी, इसको नैनोमीटर में मापा जाता है इसकी त्रिज्या को। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन मकान बनाते हैं, अपन ये बहुत बड़ी कोई इमारत बनाते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तो उसके अंदर अपन जैसे इमारत किससे बनी हुई, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी, जैसे ये कोई बड़ी इमारत है। अब इसके अंदर क्या खूब सारी छोटी छोटी इस प्रकार से ईंटें लगी हुई है ना, वो ईंटों के ऊपर अपन क्या करते हैं, फिर वो कवर आ जाता है, प्लास्टर आ जाता है, जिससे वो ईंटें छिप जाती है, अपन उन ईंटों को नहीं देख पाते, और वो ईंटों भी क्या होती है बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है ना। तो इस प्रकार से क्या होती है, बहुत छोटी रचनात्मक इकाई है। इसी प्रकार अपन बात करें जैसे मिट्टी के कण हैं, है ना, मिट्टी के कण हैं आपके, रेत के कण होते हैं छोटे छोटे छोटे, बहुत बारीक होते हैं, है ना, उसी प्रकार के ये आपके जो प्रोटॉन है वो भी क्या होते हैं, बहुत ही छोटे कण होते हैं। प्रोटॉन क्या, बहुत ही अपनी जो अपन नग्न आँख हैं उनसे अपन नहीं देख सकते इनको, अपनी आँखों से नहीं देखा जा सकता इनको। और परमाणु क्या होते हैं, बहुत ही छोटी इकाई है, बहुत ही छोटी, जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते, इतनी छोटी है जो अपन आँखों से नहीं दिखाई देती, तो अपन आप मान ही सकते हो कि कितनी छोटी रहेगी। तो परमाणु का आकार अगर अपन बात करें, जैसे अपन एक एग्जाम्पल की बात करें कि अगर अपन लाखों परमाणुओं को अगर अपन क्या करें, एक कण के ऊपर एक कण को जमाते जाएं, जैसे ये एक कण है इसके ऊपर ऐसे ऐसे इस प्रकार से जमाते जाएं, इस प्रकार से अपन जमाते जाएंगे, तो कितने परमाणुओं को, लाखों परमाणुओं को अपन जमाएंगे, तो आपके जो किताब की कागज़ की एक शीट होती है ना, पतली सी, कितनी बारीक सी शीट होती है, उसका निर्माण होगा आपके ये इस प्रकार से। तो कि एक शीट किससे, कितने लाखों परमाणुओं से बनी हुई है, तो इस प्रकार से अपन अनुमान लगा सकते हैं, एक कागज़ की शीट बनाने में अपन को इसको क्या लाखों परमाणु लग सकते हैं, तो कितने परमाणु, कितना छोटा होगा वो कण। अब परमाणु की त्रिज्या को अपन किस में मापते हैं, क्वेश्चन बनता है आपके परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं, किस में, नैनोमीटर में मापते हैं, ये ध्यान रखें। परमाणु की त्रिज्या को अपन किस में मापते हैं,
नैनोमीटर में मापते हैं, ये ध्यान रखना। अब नैनोमीटर क्या होता है, इसका एक है 10^-9 मीटर बराबर होता है आपके 1 नैनोमीटर, माइनस नौ है ना, या फिर 1 मीटर बराबर कहें अपन तो 10^9 नैनोमीटर, ये एक आंकड़ा आप ध्यान रखें। NM का मतलब है नैनोमीटर, ये आपके है नैनोमीटर, ध्यान रह जाएगा आपको कि परमाणु की त्रिज्या हमको हम किस पर किस में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं, और नैनोमीटर की आकार ये आपको बताई दिया मैं। इसके अलावा कुछ परमाणु के मैं आपको क्या है उनकी त्रिज्याओं का माप बताता हूँ, लिख के बता रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है ना, इसके अलावा जल के अणु की त्रिज्या कितनी होती है, इसके अंदर मीटर में बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये इस तरफ तो मैं लिख रहा हूँ त्रिज्या, और इस तरफ लिखूँगा आपके एग्जाम्पल उदाहरण, तो त्रिज्या है वो आपके किस में है, मीटर में रहेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के, किसकी, हाइड्रोजन परमाणु। अब हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है आपके 10^-10, 10^-10 होती है। इसके आगे अपन बात करें 10^-10 हो गई है पर हाइड्रोजन परमाणु की। अब है अपन बात करेंगे जल के अणु की, जल अणु की, तो जल अणु की त्रिज्या होती है आपके 10^-9, 10^-9। इसके अलावा अपन बात करें हीमोग्लोबिन अणु की, हीमोग्लोबिन जानते हो किसमें होता है आपके, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन अणु, जिसके कारण खून का रंग क्या होता है आपके, लाल होता है, ये तो आपको पता ही है, 6th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। हीमोग्लोबिन अणु की बात करें अपन, हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या होती है आपके 10^ हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या होती है आपके 10^-8। इसके अलावा और बात करें अपन अणुओं की, तो रेत के कण की त्रिज्या बात करें अपन, रेत के कण की वो होती है आपके 10^-4, तो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ये। इसके अलावा आपके तरबूज है, तो इसकी त्रिज्या होगी आपके 10^-1 कण की। तो ये आपके कुछ त्रिज्याओं के माप दिए हुए हैं, जिसके आधार पर अपन समझ सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या कितनी हो सकती है। मिटा दो ये। अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि परमाणु के आकार की बात की अपन ने। अब है परमाणु का आकार तो इतना सूक्ष्म होता है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको अपन क्या मान ले, इतना छोटा कण आंखों से ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आप नगण्य मान सकते हैं ना, जैसे अपन गणित में मानते हैं कि इसको नगण्य मानने पर फिर वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो इसको नगण्य मतलब मान लेते हैं, कुछ भी नहीं मानकर नगण्य मान रखते हैं। लेकिन नगण्य मान नहीं सकते, क्योंकि अपन के जो वायुमंडल है या अपनी पृथ्वी है, वो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर सारे जो परमाणु हैं वो परमाणु क्या है, सारी जो चीज़ें हैं वो सभी इन परमाणुओं पर आधारित है, क्या होते हैं, उन सभी के अंदर परमाणु उपस्थित हैं। तो विश्व की सारी चीज़ें, विश्व हमारा पूरा विश्व ही क्या है, विश्व ही क्या है, परमाणुओं से बना है, परमाणुओं से बना है। अगली बात समझ में, तो इसको अपन क्या नहीं मान सकते, नगण्य नहीं मान सकते। अब इन परमाणुओं को क्या है, कुछ पहचानने के लिए क्या किए हैं, इनके प्रतीक चिन्ह दिए हैं पहचानने के लिए कि अपन इनको कैसे पहचानें कि परमाणु किस प्रकार से हो सकते हैं। तो परमाणुओं को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या है, डाल्टन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया, और उन्होंने किसी भी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व के निश्चित मात्रा को इंगित करता था ना। तो सबसे पहले किसने बताया आपके, डाल्टन ने बताया, जिन्होंने प्रतीकों का प्रयोग तो किया था सबसे पहले तो आपके डाल्टन ने, लेकिन वो प्रचलित नहीं हुए, डाल्टन ने बताया। फिर उसके बाद में उन तत्वों के नाम और 2 अक्षरों में प्रदर्शित किया था, किसने, बर्जीलियस ने, ये जो इम्पोर्टेंट है वैज्ञानिक हुए थे बर्जीलियस इम्पोर्टेंट था। डाल्टन तो क्या है, उन्होंने तो सिर्फ अपने जो उनकी मात्रा को इंगित कर रहा था, लेकिन आपको पूछा जाता है कि तत्व परमाणु के
प्रतीकों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो ये आपके बर्जीलियस हो सकता है, एग्जाम्पल आंसर रहेगा। और बर्जीलियस ने देखो किस प्रकार से बताया, बर्जीलियस ने क्या किया, बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे हुक्म, बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों, ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया, ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों, नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। बर्जीलियस ने बताया कि नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। इससे पहले देखो डाल्टन ने किस प्रकार से प्रतीकों को बताया था, कुछ एग्जांपल जो आपके किताब में दिए हैं उनके आधार पर अपन बात करते हैं। बर्जीलियस ने तो क्या किया, तत्वों को प्रतीकों को किस प्रकार से, नाम के जैसे पहले या दूसरे अक्षर को, जैसे उन्होंने हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या किया, एच, और जैसे हीलियम है, हीलियम का प्रतीक चिन्ह क्या बताया, एच ई, ये पहला अक्षर हो गया, ये पहला और दूसरा, पहला अक्षर बड़ा दूसरा अक्षर छोटा, ये अभी कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल। इससे पहले जैसे डाल्टन ने कुछ बताए हैं उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से डाल्टन ने बताए। तो डाल्टन ने देखो इस प्रकार से सुझाए हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो उसके अंदर ये इस प्रकार से चिन्ह, इसको बोल दिया उन्होंने हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में कार्बन है तो उसको इस प्रकार से, इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा ना, किसने बताया ये आपके, डाल्टन की बात कर रहा हूँ मैं, किसने, डाल्टन जो परमाणु के खोज करता थे है ना। कार्बन और ऑक्सीजन है तो इसको सिर्फ एक राउंड बना दिया ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में जैसे एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, ये हो गया आपके फॉस्फोरस। फिर उसके बाद में ये आपके सल्फर, ये डाल्टन ने बताए हैं इस प्रकार से। आयरन, ये आपके आयरन, जैसे ये कॉपर, ये आपके सीसा, इसके अलावा ये आपके सिल्वर, इसके अलावा ये आपके गोल्ड, इसके अलावा ये आपके प्लेटिनम, इसके अलावा ये आपके लास्ट है जैसे पारा, इस प्रकार से इन्होंने बताया पारे को, ये पारा। तो ये आपके धातुओं, ये किसने बताए आपके, डाल्टन द्वारा सुझाए गए, डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक, ये बताए किसने आपके, वैज्ञानिक हुए थे जो डाल्टन, उन्होंने बताए थे प्रतीक चिन्ह कि ये हाइड्रोजन है तो उसको इस प्रकार से दर्शाओ, फॉस्फोर है तो उसको इस प्रकार से, कॉपर है तो उसको, सीसा है तो उसको इस प्रकार से, सल्फर है तो इसको, कार्बन को इस प्रकार से, ऑक्सीजन को इस प्रकार से, आयरन को इस प्रकार से, सिल्वर को इस प्रकार से, गोल्ड को इस प्रकार से, प्लेटिनम को इस प्रकार से, पारे को इस प्रकार से। तो ये क्या है, ज़्यादा प्रचलित हो नहीं पाया, तो इसके बाद में वैज्ञानिक आए थे आपके बर्जीलियस, कौन से वैज्ञानिक आए थे उसके बाद में बर्जीलियस आए थे, उन्होंने बताया आपके जो डिटेल में बताया, और जो आपके एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक संस्था है जो आपके क्या करती है, इनको स्वीकृत करती है। तो जो बर्जीलियस ने बताया, ये तो ज़्यादा समय तक चले नहीं, इसके बाद मिटा दूँ ये, तो ये डाल्टन के अनुसार बताए हुए हैं। इसके आगे अपन बात करते हैं, बर्जीलियस ने क्या बताया आपके तत्वों को, जो विस्तृत रूप से बताया वैज्ञानिक हुए थे बर्जीलियस,
बर्जीलियस ने क्या है इनको विस्तृत रूप से बताया कि वो किस प्रकार से आपके, तो बर्जीलियस ने कहा कि जो पहला तत्व है, जैसे तत्व है, ये डाल्टन ने बता दिया, बर्जीलियस ने कहा कि तत्वों का एक या दो अक्षरों से, एक या दो अक्षरों से उसको प्रदर्शित करना, ये किसने कहा था आपके, बर्जीलियस ने कहा था। इससे पहले क्या होते थे तत्वों के जो नाम होते थे वो उनकी उत्पत्ति से आधार पर होते थे, बर्जीलियस से पहले भी अक्षरों से, इससे पहले जैसे कोई जो तत्व हैं, तत्व का नाम किससे उत्पत्ति रखा जाता था, तत्व का नाम व्युत्पन्न स्थान से, व्युत्पन्न जहाँ से नाम, तत्व का नाम उसके व्युत्पन्न से, उसके व्युत्पन्न से बताया गया। तत्व का नाम उसके व्युत्पन्न से बताया गया। तत्व है जो क्या है, तत्व हैं जो उनके व्युत्पन्न से नाम बता दिए, जैसे गोल्ड है, सोना है, जैसे क्या आपके उदाहरण के लिए स्वर्ण है, तो स्वर्ण क्या, स्वर्ण का नाम क्या है उसका, स्वर्ण, जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, तो गोल्ड का अर्थ क्या होता है आपके, अंग्रेजी शब्द का अर्थ क्या होता है आपके, पीला, तो उसी आधार पर उसका नाम लिख दिया। उसी प्रकार जैसे कॉपर है, कॉपर का नाम क्या होता है, कॉपर है, तो कॉपर क्या हो गया आपके, कॉपर का नाम होता है आपके ये साइप्रस, साइप्रस जो उसके विशिष्ट रंग से, साइप्रस क्या है उसके विशिष्ट रंग के आधार पर नाम रखा गया, विशिष्ट रंग के आधार पर, के आधार पर, तो इस प्रकार से ये आपके परमाणु के जो नाम है वो दिए गए। इसके अलावा आपके एक आपको नाम याद करके आना कल, एक नाम याद रखना आपको सिंपल सा है, IUPAC की पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नाम याद करके आना है कि IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन एंड यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके आगे IUPAC ने तत्वों के प्रतीकों को किस प्रकार से समझाया है इसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि IUPAC ने तत्वों के प्रतीकों को किस प्रकार से बताया है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा कि परमाणु क्या होता है और परमाणु की त्रिज्या के बारे में, जिसको किस में मापा जाता है आपके नैनोमीटर में मापा जाता है, परमाणु की त्रिज्या को इसमें नैनोमीटर में मापा जाता है। इसके अलावा डाल्टन ने परमाणु के प्रतीक किस प्रकार से समझाए और बर्जीलियस ने किस प्रकार से समझा इसके बारे में आज की क्लास में बात की थी। इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, गुड लक।